हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कटहल की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जो कि बहुत दिनों से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लास्ट टाइम कटहल लेकर आई थी, लेकिन वो पका हुआ निकला था। तब मैंने उसके बीजों की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज कटहल की सब्ज़ी लाई हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं कटहल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कटहल लिया है, तो सबसे पहले इसे कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। तैयारी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। कटहल अंदर से चिपचिपा होता है, चाकू में भी थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। कटहल को काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है कि इसको खाए बिना रहा नहीं जाता है। तो टेस्टी सब्ज़ी खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कटहल को काटकर मैंने रेडी कर लिया है। कटहल काटना बहुत मुश्किल है, तो चलिए अब इसकी लाजवाब सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 8-10 प्याज ले लिए हैं, उन्हें रफली चॉप्ड कर लिया है। 1/4 कप मूंगफली ले ली है। यहाँ पर पोस्ता लिया है, जिसे खसखस भी कह सकते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 फूल चक्री, 4-6 हरी मिर्च और 10-12 लहसुन की कलियाँ। 1/4 कप तिल लिया है यहाँ पर, और यहाँ 2-3 तेज पत्ते लिए हैं। ये सब ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। और मसालों में यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, और यहाँ पर हींग ले ली है क्योंकि कटहल बादी करता है तो हींग डालेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हींग ले ली है। हींग ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में लग रही है। यहाँ पर 8-10 काली मिर्च ले ली है और 2-4 लौंग, और ये हल्दी, तो 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है। तो चलिए बना लेते हैं कटहल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को पीस लेते हैं। पोस्ता, मूंगफली और तिल तीनों को रोस्ट कर लेंगे। एक साथ रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तिल, मूंगफली अलग अलग टाइम लेते हैं रोस्ट होने में। सबसे पहले मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। अब पोस्ता डाल देंगे। मूंगफली ज़्यादा रोस्ट नहीं हुई है, दोनों साथ में रोस्ट हो जाएंगे, तो पोस्ता भी डाल देते हैं। तो तीनों चीज़ें परफेक्ट रोस्ट हो जाएंगी, इससे ग्रेवी बहुत बेस्ट बनती है। तो तीनों चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं, तो हम इसे पीस लेते हैं। मूंगफली, तिल और पोस्ता को अलग से पीस कर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमने प्याज की प्यूरी रेडी कर ली है। यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस कर ले लिया है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो कटहल डाल देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो कटहल रेडी है। इसे बाहर निकाल लेते हैं, इसी कढ़ाई में कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले सरसों तेल डाल देते हैं। सरसों तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, मसालेदार सब्ज़ी बना रहे हैं हम। तो 4 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है यहाँ पर। तो ऑयल गर्म हो गया है, मसाले डाल देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं उन्हें थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तेज पत्ते आप धोकर ही यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अब प्याज डाल देते हैं। अब इसमें मूंगफली, पोस्ता और तिल का पेस्ट डाल देते हैं।
बिल्कुल स्लो फ्लेम में। इसे ढककर थोड़ी देर पकने देते हैं, करीब 5-10 मिनट, और बीच में इसे चेक कर लेंगे क्योंकि मूंगफली और तिल नीचे चिपक सकता है। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, इसे फिर से ढक देते हैं। जब ऑयल रिलीज़ हो जाएगा उस टाइम पर हम सब्ज़ी को डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब मसाले ऐड कर देते हैं। गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हींग 2 टेबलस्पून। वेज चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल वेज है, वेजिटेरियंस के लिए ही है, इसमें नॉन वेज जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रीन लोगो देखना है, साइड में बना हुआ होता है। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, सब्ज़ी को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं। दो मिनट सब्ज़ी को ढककर छोड़ देंगे, कटहल के अंदर अच्छी तरह से मसाला पहुंच जाएगा, फिर हम पानी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को। तो कटहल मसाले में अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया है, अब टाइम है इसमें पानी मिलाने का। तो सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर 4 गिलास पानी डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी को मीडियम फ्लेम पर ढककर छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। कितनी बढ़िया दिख रही है ना, कितनी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। वैसे मैंने कहीं सुना है कि कटहल को वेजिटेरियंस का चिकन बोलते हैं, तो उसे बिल्कुल चिकन की तरह बनाया जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, दिखने में ये बहुत लाजवाब है। आई एम श्योर कि ये खाने में भी उतनी ही लाजवाब होगी। इसमें धनिया पत्ती मिला देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं।